उत्तराखंड में इन दिनों बारिश आफत बनकर टूट रही है। जगह जगह सड़कें बंद हैं तो कहीं भूस्खलन से भवन जमीन दोष हो गए। वहीं मानसून को लेकर देहरादून प्रशासन ने तैयारी कर ली है। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में जल भराव हो जाता है, ऐसे में स्थानीय लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि शहर के जिन इलाकों में जल भराव होता है उन जगहों को चिन्हित किया गया है। यही नहीं, नालियों की भी सफाई की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि रिस्पना नाला, पानी डोभाल वाला, ISBT सहित कहीं जगह जहां पर जल भराव की समस्या बनी रहती है, इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, मेन जो है मानसून के दृष्टिगत कुछ ऐसे जगह हम लोगों ने पहले से ही चयनित किए हैं, जो जैसे पिछले साल भी जो है जहाँ पे जल भराव का इशू आया था, तो जैसे इस बार भी अभी आज सुबह हमें खबर मिली कि तिलक रोड, न्यू कैंट रोड, डोभाल वाला, पटेल नगर इत्यादि में जल भराव की स्थिति आई थी। तो हमारी टीम इमीडिएटली वहाँ पे पहुँच गई थी और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया था।